बेड़े साहब। हाँ थैंक यू। पता नहीं आज किसका मुंह देखा, बाजार जाते वक्त रास्ते में मुझे 1000 का नोट मिला। लकी अब्दुल, क्या बात है अब्दुल, ये तो मतलब तुम्हें बिना मेहनत की कमाई हो गई है। भाई बिना मेहनत की कमाई का मजा ही कुछ और होता है, क्यों भिड़े? ए जेठालाल, मैं मेहनत की कमाई खाता हूँ और तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? हा? अरे भाई तुम गलत मतलब नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है देखा। अरे छोड़िए ना जेठा भाई, आज सोडा अब्दुल की तरफ से। क्यों अब्दुल? अरे नहीं नहीं नहीं, बाजार से आते वक्त 2000 गिर भी तो गए। ओहो ओहो, जैसी करनी वैसी भरनी। ये जेंट्स रुक्मणी क्या गलत गलत कहावत बोलता है। एक तो बेचारे के 2000 गिर गए और किधर भी कोई गलत कहावत बोल रहा है तू। आज सोडे का भाव डबल। का डबल है? क्यों क्यों? तुम खुशी में पार्टी मांग सकते हो तो दुख में साथ नहीं दे सकते। हाँ अब्दुल की ये बात तो बिल्कुल 16 आना ठीक है दोस्तों। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। भाई चलो। हाँ भाई तो सब लोग आ गए अभी। हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। ओ पिड़ो, तुझे यहाँ सब जानते हैं। ओ बैजा, वो मुद्दे की बात पे आओ और ये बता कि कलर का क्या हुआ। हाँ भाई, हाँ भैया फटाफट चल चल जल्दी जल्दी चलो। तो मैंने कलर का कोटेशन निकाल लिया है, कुल मिला के 4.5 लाख रुपए का खर्चा है, लेकिन अपने सोसाइटी के फंड में सिर्फ 3 लाख रुपए। तो भाई बाकी के 1.5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे भिड़े? सिंपल है मेहता साहब, 15 फ्लैट है, सब लोग 10,000 निकालेंगे तो हो गया ना 1.5 लाख। हाँ जेठालाल, उसके बाद सोसाइटी के फंड में एक भी पैसा नहीं रहेगा। मान लो अगर कोई छोटा मोटा काम निकला, जैसे पानी की मोटर बिगड़ गई या ऐसे कुछ काम निकला, तो पैसे कहाँ से लाएंगे? करेक्ट, थोड़ा बहुत तो पैसा होना चाहिए ना फंड में। करेक्ट है। हाँ 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 भाई हाँ ठीक है, तो 10-10 की जगह पे सब लोग 25-25 निकालेंगे। ये भी ठीक है। एक काम करो, मेरे फ्लैट के बाहर का जो कलर है ना वो कैंसिल कर दो। अरे वहाँ सब बराबर है। क्या पोपटलाल, कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हो यार? मतलब तुम्हारे फ्लैट का कलर छोड़ दे, बाकी पूरी सोसाइटी में कलर हो। सोसाइटी है गोडाउन है तो हाल करता है यार। और तुम्हारा फ्लैट कैसा लगेगा? मखमल में टाट का पैबंद। तो मेहता साहब, मैं एक साथ 25,000 रुपए नहीं निकाल सकता। 25,000 रुपए एक साथ देना तो मैं भी नहीं दे सकता। अरे भाई तो फिर कलर कैसे होगा? वैसे जेठालाल 25,000 रुपए कुछ ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। हाँ ओ पिड़ू, तू इतने साल से गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी है और तूने बस 3 लाख रुपए जमा किए। वैसे हमारा पड़ोस का वो लक्ष्मी सोसाइटी, वहाँ पर 5-6 लाख का फंड हमेशा रहता ही है। अच्छा? हाँ वो रहेंगे ही ना अय्यर, वो सोसाइटी मेन रोड पे है और उस सोसाइटी पे होर्डिंग लगे हुए होते हैं। खाली उस होर्डिंग का उस सोसाइटी को महीने का 1-2 लाख रुपया मिलता है। हाँ हाँ लेकिन हमारी सोसाइटी में भी ऐसी इनकम हो, ऐसा कुछ करो। क्या करें, हमारी सोसाइटी को रोड पे ले जाए। वैसे छोटे, तो अय्यर भाई को अगर सेक्रेटरी बना दिया तो हमारी सोसाइटी रोड पे ही आ जाएगी। तारक को पिलाना पड़ेगा। हेलो हेलो, हाय पपी, हाय। कांदा कैसे दिया? 60 रुपया। क्या? हाँ? अरे मुझे सब नहीं चाहिए, 1 किलो का भाव पूछ रही हूँ। हाँ, हाँ तो 1 किलो का ही भाव है। अरे देवा, पहले कांदा काटने पर रुलाता था, अब तो भाव पूछने पर भी रुलाने लगा है। हाँ, exactly. अरे हाँ, टटन साची बात है। चलो कांदा छोड़ो, मेरे को 15 रुपए की भिंडी दे दे। हाँ धनिया 15 रुपए की 6 भिंडी। ओ माय गॉड, अरे देवा 6 दिया। हाँ। 1 दे दो। अरे क्यों दिखा रोशन भाभी? अरे ये तो मैंने ज्यादा दे दिया, थोड़े दिन रुक जाओ, जवेरी की दुकान में तोले के भाव से सब्जियां मिलेगी। वो क्या है ना, मौसम खराब होने की वजह से खेती खराब हो जाती है, इसलिए सब्जियों के दाम आसमान में चढ़ गए हैं। ये सब गब्बर की वार्निंग की वजह से हो रहा है। भाई गब्बर, 1 मिनट, गब्बर की वार्निंग मतलब? वो ठंडी की जगह गर्मी होती है, फिर गर्मी में वो बारिश, बारिश में बर्फ आता है, उसको क्या बोलते हैं? શું બોલે છે દયા ભાભી? उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सोडी ये रहे मजे हैं। पेट्रोल के दाम फिर से कम हो गए। और मेरी गाड़ी तो डीजल की है भाई। अरे तो डीजल के दाम भी तो कम हुए। और तूने अभी पेट्रोल की बात की है? सॉरी। हाँ। वैसे दोस्तों ये पेट्रोल के दाम बढ़ते रहते हैं, डीजल के भी मतलब बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, तब महंगाई बढ़ जाती है, मतलब दूध के सब्जियों के भाव बढ़ जाते हैं। जब पेट्रोल और डीजल के दाम घटते हैं तो इन सारी चीजों के दाम नहीं घटते, वो तो वैसे ही रहते। वो क्यों नहीं घटते? सही बात है, बिल्कुल सही कहा भिड़े तूने। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो बाकी सारी चीजों का भाव जो है वो आसमान को छू लेता है, लेकिन जब इनके भाव कम होते हैं, घटते हैं, तो कुछ नहीं घटता। प्याज और आलू का दाम भी वैसे का वैसा ही रहता है भाई। रिक्शा टैक्सी का भाड़ा भी कम नहीं होता है, यहाँ तक कि मोबाइल के रिचार्ज का दाम भी कम नहीं होता है। भाई अंधेर चल रहा है अंधेर, और मैं ये सब नहीं चलने दूंगा। अपने अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में इन सब के खिलाफ एक जबरदस्त आर्टिकल छापूंगा और इनकी दुनिया हिला दूंगा। वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल, एक पत्रकार का यही कर्म है पोपटलाल, समाज को जागृत करना। उठो, समाज को जगाओ। लेकिन पहले जेठालाल को तो कोई जगाओ। ओ जेठालाल। हाँ कहाँ खो गए? हाँ जेठालाल क्या हुआ भाई? नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ा धंधे का टेंशन जरा चल रहा है। एक दिन धंधा अच्छा होता है, एक दिन मंदा होता है। आजकल दुकान के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है, तो कभी नट्टू काका और बागा का पूरा दिन मक्खी मारने में जाता है। अब तो लगता है मक्खियों ने भी आपस में बात फैला दी है कि भाई कोई गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में मत जाना, वहाँ कोई काम नहीं है, सब फ्री बैठे, दिन भर बैठे बैठे बस मक्खी मारते हैं। अब तो पूरे एरिया में मक्खियाँ भी नहीं बची है। तो जेठालाल एक काम करो, मेरे ऑफिस आ जाया करो, वहाँ बहुत मक्खियाँ हैं। तू मार। वैसे भी तुझे ऑफिस में कुछ काम तो होता नहीं है, लेकिन भाई सब मक्खियाँ मत मार देना, थोड़ी बचा के घर पे लेके आना। जेठालाल घर पे लेके जाना मतलब? अरे घर पे भी शादी नहीं हुई तो फ्री बैठा रहता है ना, तो घर पे थोड़ी मक्खी मारा करेगा। देखो जेठालाल मेरी शादी पर मत जाओ, इस मुद्दे पर मैं एक भी कमेंट नहीं सुनूंगा। और तुम मुझे अपनी ऑफिस में मक्खी मारने का जो आमंत्रण दे रहे हो वो मैं ऐसे ही सुन लूं? अरे तो तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला? अरे जेठालाल सुनो भाई, पोपटलाल मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो आप लोग? अरे झगड़ा कर रहे हो, मजाक मजाक की बात है भाई। अरे क्या बात कर रहा है, तो फिर मैं इधर आ जाऊँ ऑफिस, मतलब क्या है इसका? अरे तो उसमें क्या है भाई, मैंने मक्खी की बात की, तुम एकदम शादी पे चले जाते हो। मैं नहीं मारता हूँ मक्खी, नटो का बाघा मारते हैं मक्खी। और झगड़ा झगड़ी बंद करो और गांधी जी को याद करो। सब्जी खत्म मत कर देना। दया भाभी डोंट वरी, सब्जी इतनी महंगी है कि सब लोग पाव पाव किलो ही खरीद रहे हैं। मैं भी पाव किलो ही खरीदने वाली हूँ। अब मुझे है ना ये टमाटर पाव किलो, पापड़ी पाव और भिंडी पाव, इतना दे दीजिए। जी दया भाभी। सब्जियों के भाव इतने बढ़ गए ना, मुझे तो लगता है अपने सोसाइटी के गार्डन में सब्जियाँ उगाना शुरू कर देना चाहिए हमें। नहीं हाँ, हमें गार्डन में वेजिटेबल फार्मिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगो भाई ये टोटो बच्चे बहुत कंजूस है, जो सब्जी अच्छी लगती है पहले उगाएंगे फिर पकाएंगे। सोरस आप लोग ऐसे सोसाइटी में सब्जी उगाएंगे तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? देखो अब तक हम लोग तुमसे सब्जी खरीदते थे ना, इसके बाद तुम हमसे सब्जी खरीदना और आसपास की सोसाइटी में बेच देना। हम उगाएंगे तुम बेचना। अरे चिंता मत करो, हम तुम्हें ज्यादा भाव में सब्जी नहीं बेचेंगे। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। घर के कामों में से फुर्सत कहाँ मिलती है, उसमें फुर्सत मिलेगी तब हम लोग खेती करेंगे ना। सुनीता सब्जियाँ कहाँ है ना माधवी भाभी? इस पेटी के अंदर। कहाँ सब्जियों को लॉक करके रखा है? सब्जी है या सोना? अंजलि भाभी आजकल सब्जी के भाव भी सोने जैसे हो गए हैं। वो तो है। कोमल भाभी वो सब्जियां मैं से ठेले पे खुली रखती हूँ ना, तो आते जाते रास्ते पे कई लोग कैसे है सुनीता ऐसे बोल के 2-3 सब्जी उठा लेते हैं, इसलिए मुझे ऐसे संभाल के रखना पड़ता है। बरोबर है। नहीं तो क्या, अभी इतनी महंगी सब्जी ऐसे ही कोई उठा के ले जाएगा तो मेरा कितना नुकसान होगा। वैसे सुनीता, ये सब्जियों के दाम इतने बढ़ क्यों रहे हैं? हाँ सुनीता, कहीं ये तुम्हारा पैसा कमाने का बहाना तो नहीं है ना? सुनीता, मैंने कोमल भाभी, मैं कहाँ कमाती हूँ? चाहे तो आप होलसेल मार्केट जाके भाव पूछ लो। अच्छा अच्छा ठीक है, तू ही बता दे कि सब्जियों के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं? अंजलि भाभी, बारिश की वजह से सब्जी के भाव बढ़ रहे हैं। वो क्या है, ज्यादा बारिश होती है ना तो बहुत सारी फसल बिगड़ जाती है। वो बरोबर पर इतना भाव नहीं बढ़ना चाहिए, हमें भी तो मैनेज करना होता है ना, हमारे बजट में हमें घर चलाना होता है। हाँ, ये बढ़ती महंगाई की वजह से पूरा बजट हिल जाता है। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है महंगी सब्जियों को संभाल कर रखने के लिए तिजोरी लेनी पड़ेगी। सही बात है। वाह वाह, क्या मस्त फ्रेश भाजी है। सुनीता, मला पाव किलो भिंडी। हाँ माधवी भाभी, पिछली बार से 10 रुपए बढ़ गया भिंडी के, अभी 120 रुपए किलो भिंडी है। वो क्या समझ रहे हैं? हाँ, अब सब्जी के भाव भी शेयर मार्केट की तरह हर रोज बढ़ रहे हैं ना। सुनीता, तुम क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हो? नहीं नहीं बबीता जी, मुझे वो शेयर मार्केट का कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो अखबार में आता है ना, सेंसेक्स ऊपर नीचे हो गया। सुनीता, सेंसेक्स नहीं, सेंसेक्स। हाँ हाँ वही वही। सुनीता, टमाटर कहाँ है? एक मिनट। अरे ये नहीं, टमाटर। भाई ते कोमल भाभी, ये रहा आज का सुपरस्टार। बस इतनी? इसे थोड़ा ज्यादा संभाल के रखना पड़ता है ना। हाँ सही है, टमाटर सुपरस्टार ही है, आजकल हर जगह इसके चर्चे हैं। वैसे आज क्या भाव है सुपरस्टार का? हाँ माधवी भाभी, आज किलो के हिसाब से नहीं बेच रही हूँ, नग के हिसाब से बेच रही हूँ। एक टमाटर 20 रुपए। लो बोलो, टमाटर अब नग के हिसाब से बिकने लग गए। अब क्या करूँ कोमल भाभी, टमाटर इतने महंगे हो गए, कोई ज्यादा लेता भी नहीं, 1 या 2 ही पीस लेते, इसलिए मैं नग के हिसाब से बेच रही हूँ। ठीक है सुनीता, मुझे 2 टमाटर दे दो। हाँ। मुझे भी। देखो टमाटर तो मुझे भी लेना है, एक काम करते हैं, हम लोग आपस में ये सब बांट लेते हैं। हाँ आपस में मतलब आप तीनों ही? हाँ मुझे टमाटर की जरूरत नहीं है। हाँ गुड, तो फिर इनके हिस्से का मैं ले लेती हूँ। वो हमें थोड़ा ज्यादा चाहिए रहता है ना, टमाटर का भाव इतना बढ़ गया है, पर खरीदने तो पड़ेंगे। अभी टमाटर ऐसी चीज है जिसकी रोज जरूरत पड़ती है, तो ऐसी चीजों का भाव ऐसे बढ़ता रहे तो इंसान चलाएगा कैसे? अभी तो ये हाल है कि टमाटर का कम से कम यूज करके चलाना पड़ रहा है। हाँ। गर्मा गर्म चाय के साथ खाकरा खाने का मजा ही कुछ और है। अभी समाचार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर, कल तक तक मैं हूँ लाइव, और आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। ये ब्रेकिंग न्यूज ये है कि महंगाई की लिस्ट में नींबू का नाम भी शामिल हो चुका है, और लोग इसकी बढ़ती कीमतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। नींबू जो रेस्टोरेंट में खाने के साथ यूं ही अक्सर दे दिया जाता था, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, आज उस नींबू की कीमत आसमान छू रही है। वो नींबू जो आपके घरों में, आपके फ्रिज में, कई होटल की टेबल पे यूं ही कोने में पड़ा रहता था, वो नींबू जिस पर लोगों की नजर तक नहीं जाती थी, आज उस नींबू को देखने के लिए लोगों की आंखें तरस गई। ये साधारण सा नींबू आज अपनी बढ़ी हुई कीमतों की वजह से बहुत ही खास हो चुका है। वो दूध वाले का बिल 900 रुपया, सब्जी के हुए 950 रुपए, माधवी के अचार पापड़ का कच्चा माल लाया था उसके हुए 6000, और माधवी की शॉपिंग 3000 रुपए, केबल के 300 रुपए, मोबाइल बिल सबके मिला के 800 करेक्ट, लाइट बिल 900, अरे देवा चाय पत्ती 600, और रिक्शा का खर्चा 800 रुपया। अरे काय कितना खर्चा बढ़ गया है। फैमिली मीटिंग बुलानी पड़ेगी। माधवी, सोनू, आले। हाँ बोला, काय झालं? सोनू काय? सोनू हो बाबा, देखो मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है, बैठो इधर। आहो, बात अगर ज्यादा जरूरी नहीं तो मैं पहले किचन का काम निपटा लूं। नहीं, बहुत जरूरी बात करनी है, तुम बैठो यहाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ बाबा? बताता हूँ। अभी मैं अपने घर का खर्चा देख रहा था तो मुझे उसी के बारे में बात करनी। सबसे पहले लाइट बिल। माधवी, लाइट बिल 900 रुपए आया है। क्यों? ओ, क्यों का है? गर्मी कितनी बढ़ गई है, पंखा भी दिन भर चालू रहता है। हाँ ठीक है। ये चाय पत्ती के 600 रुपए। क्यों? क्यों का है? दिन भर आपका ही कितनी बार चाय पीने का मन करता है, और कोई भी आए तो आप कहते हो माधवी मस्त पैकी मसालेदार गर्म गर्म चाय पिलाओ। और बरं सादी चाय तो आपको चलती नहीं है, उसमें अदरक और इलायची भी चाहिए, तो खर्चा तो बढ़ेगा ही ना। और पुदीना की तो बात ही मत पूछो। हाँ, पुदीने से याद आया, पुदीना हम लोग बालकनी में भी उगा सकते हैं ना माधवी? वाह, छान आइडिया है। हाँ? एक काम करते हैं, बालकनी की लादी निकाल ही देते हैं। क्यों? सिर्फ पुदीना क्यों, टमाटर, भिंडी, कोथिंबीर, कड़ी पत्ता सब उगाते हैं ना, बचत ही बचत हो जाएगी। क्या कैसी बातें कर रही हो माधवी तुम? मैं कैसी बातें कर रही हूँ या आप कैसी बातें कर रहे हो? वो खर्चा तो बढ़ेगा ही ना। नहीं बढ़ेगा। ओ मस्त मसालेदार लाजवाब शानदार सोडा मिला दे। हाँ सोडी भाई, अभी बनाता हूँ, लेकिन सोडा बनाने के पहले मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ, ताकि बाद में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या बात है अब्दुल, बताओ। मेहता साहब, बात यह है कि आज से सोडा का भाव 3 रुपए बढ़ गया है। क्या अब्दुल, तुम्हें दूध का भाव बढ़ा दिया, अभी सोडा का भाव बढ़ा दिया, बंगला वगैरह लेने का सोच रहे क्या? यार भाई, 3 रुपए में क्या बंगला बन जाएगा? वो क्या, दूध का भाव बढ़ गया था तो मैंने आप लोग को बताया नहीं, तो आप लोग नाराज हो गए, इसलिए मैंने सोचा कि सोडा का भाव बढ़ गया है तो मैं पहले ही बता दूं। हाँ अब्दुल, पर ऐसे महंगाई के जमाने में तू हर चीज का भाव बढ़ाता रहेगा तो ये तो गलत बात है ना। क्या करो आदि भाई, सब चीज महंगी हो गई ना, बर्फ महंगा हो गया है, नींबू महंगा हो गया है, 2 साल से मैंने सोडा का भाव बढ़ाया भी नहीं ना। नहीं, तेरी बात बराबर है अब्दुल, लेकिन क्या कस्टमर जो होता है ना उसको सब चीज सस्ते में ही चाहिए होती है। जेठा भाई, मुझे भी परवड़ना चाहिए ना। सबको परवड़ता है, फिर तुमको क्यों नहीं परवड़ता? मतलब मेरे ऑफिस के नीचे भी एक सोडा वाला है, वो तुमसे सस्ते में मेरे को सोडा पिलाता है। बोलो पिलाता होगा अय्यर भाई, पर क्वालिटी में फर्क है ना। तेरी गलत है, ठीक है, पर यार तू ऐसे हर चीज का भाव बढ़ा देगा तो क्यों चलेगा? अरे यार अब्दुल, तेरे दूध के भाव बढ़ाने के चक्कर में मेरी सुबह की चाय से दूध गायब हो गया, और अब लगता है तेरे सोडे के भाव बढ़ाने के चक्कर में ये रात का सोडा भी बंद हो जाएगा। सही बात है।